तो आपको लगता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी थे वो साफ डट भेद सब चाल चला लेकिन जनता उनको नकार दी, इसमें कितनी सच्चाई है? उसने तो बहुत गलत उसमें किया है, क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि 30% भी सच्चाई नहीं है। अगर इस बार जो आप जीते हैं तो क्या विकास का क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप बनाए हैं? विकास का पूरा मुद्दा हम करेंगे, जनता को पूरा विकास करेंगे, पूरा होगा। आपके पंचायत में बिचौलियों का बड़ी तादाद है, उसको क्या करेंगे? बिचौलिया मेरे सामने नहीं, कोई नहीं टिकेगा, कोई भी सारे बिचौलिया को भगा देंगे, अब निष्पक्ष तौर पर काम करेंगे। इंदिरावास में जो है लेन देन की बातें सामने आई है, इंदिरावास जनता का पर्सनल फंड है, उसमें जो है ना जनता जैसे हो उसको हम खुश करना है, उसको मतलब इंदिरावास में कोई कोई साथ में से योजना पे क्या करेंगे? योजना का फंड है, काम करेंगे। जगह जगह सड़क के किनारे नाला नहीं बना है, इसका क्या कारण? इसका हम लोग पूरा पूरा पंचायत का बेटा निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ नहीं बना है वहाँ बनेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्षेत्र की जनता से क्या अपील? क्षेत्र की जनता से अपील यही करना चाहते हैं, हम विकास के तत्पर रहेंगे। आगे में दीपावली और छठ है, इसको लेकर क्या शुभकामना दे रहे हैं? शुभकामना मेरे तरफ से बताने कोरोना गाइडलाइन का पालन करें सभी, सबकी जीवन सुखमय हो। ये जीत का श्रेय किसे देंगे आप? हम जनता को देंगे, जनता की जीत है। क्या परिचय है आप? क्या है क्या मुख्य प्रतिनिधि पंचायत पटना? Yeah.